ग्राम पंचायत सरपंच उम्मीदवार बालकिशन ने उनके ऊपर लगे आरोप बताए बेबुनियाद। कहा कि हम सब आपस में रिश्तेदार हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटिया सरपंच प्रत्याशी के ऊपर लगाए थे जातिकरण आरोप, आया नया मोड़ सामने, निकले सब रिश्तेदार। बालकिशन का कहना है कि जो मेरे सामने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने उनका बहन का रिश्ता भी मेरी बुआ जी की लड़की से किया हुआ है और मुझे क्षेत्र की जनता पसंद कर रही है। जिस प्रकार से मेरा प्रचार चल रहा है वह उनको रास नहीं आया, इसलिए वह बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। मैं अपने सभी ग्रामीणजनों से कहना चाहूंगा कि बेवजह की अफवाह में ना जाएं। मेरा चुनाव चिन्ह है कांच का ग्लास, उस पर मोहर लगाकर भारी मतों से मुझे विजय बनाएं। जी सर, वो मेरे नज़दीकी रिश्तेदार ही हैं और मेरी समाज के ही हैं, और उनकी जो सिस्टर है वो मेरे भुआ जी के लड़के से ही शादी हुई है, और एक उनके अंकल है बिछड़ोद वाले, वो हमारे छोटे भाई जो संजय है उनके यहाँ शादी हुई है। मतलब आपस में रिश्तेदारी? आपस में रिश्तेदारी है सर। तो फिर उन्होंने ऐसे क्यों आरोप लगाया कि आप उनकी समाज के नहीं? सर, चुनाव का माहौल है, 12 कैंडिडेट है, उसमें से हम समाज के 2 हैं, दशरथ और मैं, तो उस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरा जनाधार ज़्यादा है, तो मुझे रोकने के लिए उनके पास कोई आधार नहीं मिला, तो फिर मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जनता इस मोहम्मद जानकारी में रही तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि ऐसी अफवाहों से दूर रहें और कांच के गिलास पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएं।